बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश आबाद रखे, हर किस्म की नागहानियाँ आफात से बचाए। इन्हीं दुआओं के साथ हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट कॉफ़ी मिल्क शेक विद आइसक्रीम। और ये शेक बिल्कुल ऐसा है जैसा आप जो है वो बाजार में पीते हैं, बाहर रेस्टोरेंट्स में जाके पीते हैं। तो इस रेसिपी के लिए जिन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए होगा दूध, ठीक है, आप 2 कप दूध ले लेंगे। ठीक है, मैं इसमें 2 ग्लास बनाऊंगी, तो आप उसके अकॉर्डिंगली, अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप दूध को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मिल्क मैंने लिया है 2 कप। इसके लिए आपको चाहिए चॉकलेट सीरप, या आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। प्लस आपको चाहिए होगी कॉफ़ी, ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर की जगह आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी प्रेफरेंस हमेशा ब्राउन शुगर रहती है, तो मैं इसलिए ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ। किसी भी कंपनी की वनीला आइसक्रीम बार, ये वनीला आइसक्रीम बार है, आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। अच्छा, क्रीम चाहिए होगी, ठीक है, ये व्हिप्ड क्रीम है, ये हमें ऊपर से इसको गार्निश करने में शेक को इजी रहेगा, तो इसलिए मैंने ये लिया है। प्लस हमें वेफर्स चाहिए होंगे, इसी तरह वेफर्स भी आप अकॉर्डिंगली जो भी आप खाते हैं वो ले सकते हैं। मैंने चॉकलेट वेफर्स लिए हैं, आप वो ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ऐड करते हैं मिल्क। तो सबसे पहले मैं इसमें मिल्क ऐड करूंगी। तकरीबन 2 कप्स मैंने मिल्क लिया है। मैं ऐड करूंगी ब्राउन शुगर। फोर स्पून्स कॉफी ऐड करूंगी। 2 टीस्पून एक वैनिला आइसक्रीम बार मैंने ऐड करना है। अच्छा, इस आइसक्रीम बार में ब्राउनी भी लगी हुई है, तो इट्स ओके। मैं इसमें ऐड करूंगी चॉकलेट सिरप। तकरीबन 2 टेबल स्पून इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब मैं इसे ग्लास में निकाल लूंगी। निकालने से पहले मैं इसके अंदर, इस ग्लास जार के अंदर मैं चॉकलेट सिरप ऐड करूंगी, इसकी वॉल्स पे लगाऊंगी सब चॉकलेट सिरप। उसके बाद मैं शेक ऐड करती हूँ। उसके ऊपर से क्रीम ऐड होगी।
इसके ऊपर आप चॉकलेट सिरप अगेन ऐड करेंगे। वेफर से इसको डेकोरेट करेंगे। तो ये है हमारा चॉकलेट कॉफ़ी मिल्क शेक विद आइसक्रीम। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट के ज़रिए बताएं प्लीज़, मुझे आप लोगों का रिस्पांस नहीं आता है। कमेंट के ज़रिए बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और आप क्या चाहते हैं मैं आपको क्या सिखाऊँ बनाना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं आपसे जल्द मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।